अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज 8B। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। 2 का ए पार्ट है कि हमने 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करें जिसका 20% कितना है, 17 है। ऐसा नंबर फाइंड करें जिसका 20% 17 है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 20% ऑफ द नंबर इज 17 है, ठीक है। जब 1% ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, तो 20 तरह के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, 17/20। और 100% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, इसको 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 0 से कट गया, क्या बचा, 210। 2 के डबल में 10 किधर आता है, 5 पे। 5 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 85 इज़ द नंबर, वो 20% इज 17। 85 ऐसा नंबर है जिसका 20% कितना है, 17 है, ठीक है। तो 85 आंसर है। अब हमने 175% ऑफ अ नंबर इज 49, ठीक है, फाइंड द नंबर, कि ऐसा नंबर फाइंड करें जिसका 175% कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। तो देखिए 175% ऑफ अ नंबर इज 49, सिंपल जिस तरह पीछे की है। 1% ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, 175 को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100% ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाद में कैलकुलेशन है आपकी, कटिंग वगैरह, इन दोनों यानी डिवाइड 5 से डिवाइड किया, 175 को यानी 5 से डिवाइड किया, क्या आया, 35 आया, और 100 को किया 20 आया, ठीक है, 35 20। फिर फर्दर ही 5 के डब्ल्यू में कट रहे हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 35, और 5 4 20, ठीक है, ये आ गया 749, 7/4, 7 के डब्ल्यू में 49 आता है, किस पे आता है, 7 पे, ये बचा, ठीक है। कैलकुलेशन स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 28 आंसर है। 28 को अगर हम 175% इंक्रीज करें, कितना बन जाते हैं, 149, ठीक है। कौन सा नंबर है जिसको 175% इंक्रीज करें, कितना बनता है, 49। तो हमें क्या पता लगा, 28 इज़ अ नंबर वोज इंक्रीज बाय 175% विल बी 49, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट, क्वेश्चन सी है, ये देखें। द रिजल्ट ऑफ द नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 20% इज 161, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर को जब हम 15% इंक्रीज करते हैं, कितना हो जाता है, 161, फाइंड द नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको 15% इंक्रीज करें, 161 हो जाए, ठीक है। तो इसको करने का तरीका कर गया स्टूडेंट, द रिजल्ट ऑफ द नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, ठीक है। देन 15% कर रहे हैं ना, तो 100% में 15% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितना रहता है, होता है 161। सिंपल फिर पिछले जो दो क्वेश्चन किए हैं उस तरह करना है, 115% ऑफ द नंबर कितना है, 161 है, 1% ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 100% ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 23 आएगा, और 100 से करेंगे, 20 आएगा, ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। जब कैलकुलेटर से या आप डिवाइड वैसे भी करें, 161 को 23 से हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है, ठीक है। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 140 जो आंसर। तो क्या लिखेंगे, 140 इज़ अ नंबर व्हेन इंक्रीज 15% विल बी 161। 140 कैसा नंबर है, कैर तो नंबर फाइंड करिए, 140 कैसा नंबर है जिसको हम 15% इंक्रीज करें, कितना हो जाता है, 161। तो 140 जो आंसर, सिंपल ये डीप यानी सी से मिलता पार्ट। द रिजल्ट ऑफ द नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% कितना है, 192 है, डिक्रीज कर रहे हैं ना नंबर, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, जब इंक्रीज करेंगे प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, जब इंक्रीज करेंगे ना तो प्लस होगा, जब डिक्रीज करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 100 में से 20 माइनस की 80% हो गया, 80% ऑफ द नंबर कितना है, 192, ठीक है। सिंपल पिछले जैसा 1% ऑफ द नंबर 80 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 100% ऑफ द नंबर 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 से कट गया, क्या बचा, 8 2 10, 2 4 8 5 10, ठीक है, 5/4। जब 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 48। 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, 48 आ गया, ठीक है। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 240 आ गया, ठीक है, 240 इज योर आंसर। तो कह रहा था कि ऐसा नंबर जिसको हम यानी 20% डिक्रीज करें, 192 होता है, ठीक है।
तो 240 इज़ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% विल बी 192। ठीक है, 240 एक ऐसा नंबर है जिसको 20% डिक्रीज।